नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का बहुत ही आसान सा बैग। इस वीडियो को देखने के बाद ये बैग आप ज़रूर बनाना चाहेंगे। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है। हाफ मीटर कपड़े में ये बैग पूरा बन जाता है। इसका देखिए बेस, लंबाई, चौड़ाई एकदम परफेक्ट है। दो पॉकेट है इसमें, दोनों साइड में ये दो पॉकेट मैंने लगाया है। बैग के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इस बैग को बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और केवल कपड़े के एक पीस से ये बैग बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग भी नहीं है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़े, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक के लिए देखिए मैंने ये हाफ मीटर कपड़ा लिया है वेलवेट का। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 32.5 इंच, यानी कि 32.5 इंच। अब चौड़ाई है इसकी 19 इंच, यानी कि 19 इंच। अब क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले इसको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए अस्तर। अस्तर के लिए मैंने साड़ी का यूज़ किया है। उसके ऊपर रखेंगे ये फोम। तो ये पतला वाला फोम है जो कि प्लास्टिक की तरह थोड़ा थोड़ा रहता है। और इसके ऊपर हमें रखना है ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। आप मनपसंद डिज़ाइन में क्विल्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पे देखिए चौकोर शेप में क्विल्ट करूँगी। तो तीनों को मिला के देखिए इस तरह से मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब देखिए क्विल्टिंग के बाद इसकी जो लंबाई है वो हो गई है 31.5 इंच, यानी कि 31.5 इंच। तो ये 1 इंच कम हो गया है क्विल्टिंग करने के बाद। और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच हो गई है, यानी कि 18 इंच। सबसे पहले हम पॉकेट रेडी कर लेते हैं। तो दो पॉकेट मैं इसमें लगाऊंगी दोनों साइड में। ये भी क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इन दोनों की जो लंबाई है वो है 9.5, यानी कि 9.5 इंच, और जो चौड़ाई है 6 इंच, यानी कि 6 इंच। अब देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के हमें सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लें। तो ये देखिए दोनों में ये जिप लग गया है पॉकेट में। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो बैग को लेंगे और इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसमें निशान लगा लेंगे। तो अब ये सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है ना, वहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगा लें। तो ये देखिए नीचे 5 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। अब बिल्कुल इसी के बराबर दूसरी साइड भी हमें निशान लगाना है। तो इसको देखिए इस तरह से पलट के फिर दूसरी साइड भी बराबर निशान लगा लेंगे। तो अब ये निशान लगाने के बाद पॉकेट जो है ना उसको भी हम बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो अब ये बीचों बीच निशान लग गया है ना। अब दोनों निशान को मिलाते हुए और इसको पूरा चारों साइड से सिल लेना है नीचे की तरफ। एक बार मोड़ते हुए तब सिलेंगे। तो अब इसको चारों साइड से सिल लेते हैं। नीचे की तरफ इसको एक बार मोड़ते हुए तब सिलना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लेना है। तो दोनों तरफ ये पॉकेट सिल गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें ऊपर की तरफ शेप देना है। तो उसके लिए देखिए बीच में तो ये निशान लगा ही हुआ है ना। अब इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे, ऊपर की तरफ एकदम से बराबर कर लेंगे। चाहे तो आप ऊपर की तरफ पिन लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद साइड से हमें 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो ये देखिए ये 4 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से राउंड शेप देना है, गोलाई देना है। अब ये शेप देने के बाद इसको हम कट करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी कट करना है। तो उसको देखिए इस तरह से वापस से दूसरी साइड से बीच से फोल्ड करेंगे लंबाई में और फिर दोनों साइड इसको कट कर लेंगे। अब ये शेप देने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये देखिए दो पीस ये बेल्ट मैंने लिया है और ये जो बेल्ट है बेल्ट की लंबाई है 45 इंच। तो 45 इंच लंबा दो पीस बेल्ट हमें लेना है। अब ये जहाँ से ये पॉकेट लगा है ना नीचे की तरफ, तो वहाँ से इसको बेल्ट को देखिए आधा पॉकेट के ऊपर आधा बैग के ऊपर रखते हुए इस तरह से, और फिर जहाँ ऊपर ये पॉकेट जहाँ तक है वहीं तक इसको सिलना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लें।
तो ये पॉकेट के ऊपर देखिए आधा रखते हुए आधा कपड़े के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब यहाँ से इसको घुमाते हुए फिर ये दूसरी साइड सिल लेना है। अब दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। तो बस इसी तरह से दोनों साइड बेल्ट को लगा लेना है। तो ये पॉकेट और बेल्ट दोनों साइड लग चुका है। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें जिप को लगाना है। तो जहाँ से ये कट है ना 4 इंच पे दोनों साइड, वहाँ से हम नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है 20.5 यानी कि 20.5 इंच। तो ये जिप भी हमें लेनी है 20.5 इंच। अब क्या करना है, जिप को देखिए 20 से इस तरह से अलग करेंगे और एक भाग देखिए इस साइड लगा लेंगे। तो 20 से जिप को फोल्ड कर लें और सेंटर में निशान लगा लें। तो ये देखिए एकदम बीचों बीच इस तरह से निशान लगा लेंगे ना जिप में, और बैग में तो निशान लगा हुआ है बीच में। तो अब दोनों निशान को मिलाते हुए आप चाहें तो इसमें पिन लगा लें या फिर हाथ से कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद इसको सिलें। तो अब ये देखिए अब इसको दोनों साइड से बराबर रखते हुए सिल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी, जो जिप का दूसरा भाग है बैक के ऊपर, देखिए जिप को उल्टा रखना है। इस तरह से उल्टा रखते हुए तब हम उसको सिलेंगे। तो इसमें भी देखिए पिन लगा लेते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे दोनों साइड से। अब देखिए जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से जिप को हमें सिल लेना है। अब इसमें भी देखिए जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर भी हमें प्रेस स्टिच करना है। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें रनर लगाना है। तो दोनों साइड से इसमें रनर लगाएंगे, दो रनर इसमें लगाना है। अब ये देखिए ये रनर को लगाने के बाद इसको दूसरे किनारे तक लेके आएंगे, फिर दूसरा रनर दूसरी साइड से लगाएंगे। अभी देखिए दोनों रनर जो है वो लग गया है। अब इस बैग को हम उल्टा कर लेते हैं। अब ये देखिए बैग को उल्टा करने के बाद ये जो दोनों किनारा है ना इसको हमें सिल लेना है। ये साइड वाला जो भाग है इसको सिल लेते हैं पहले। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद हम बेस की कटिंग करेंगे, तो जिससे कि जो बैग है ना उसमें फिनिशिंग रहेगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है छोटा बड़ा सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब देखिए अब हम नीचे का जो बेस है ना उसकी कटिंग करेंगे। तो ये दोनों साइड से हमें 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 2 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। अब ये दूसरी साइड भी 2 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी कि 2x2 का इस तरह का ये बॉक्स हमें बना लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड सिलने के बाद जब इसकी कटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। अब कटिंग करने के बाद जो साइड है ना पहले हम उसकी पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद ये नीचे वाला जो भाग है उसको सिलेंगे। तो ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये 1 इंच लगभग मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी साइड पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसको हमें सिल लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड जो है ना उसमें भी पाइपिंग कर लें। अब ये देखिए ये पाइपिंग करने के बाद उसके बाद नीचे का जो ये कोना है उसको हम सिलेंगे। तो इससे क्या है ना फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो दोनों साइड ये पाइपिंग हो गया। अब इसको देखिए कोनों को इस तरह से बराबर करते हुए सिल लेना है। अब ये दोनों कोना सिल लेते हैं।
अब ये देखिए, इसमें हमें 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और एक साइड देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए, फिर ये दूसरी साइड भी नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेना है। अब इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए, ये बैग पूरा पाइपिंग भी मैंने कर लिया है, बैग एकदम कंप्लीट हो गया है। देखिए कितनी आसानी से ये बैग बन के तैयार हो गया है और शेप वगैरह भी इसका बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ये बैग बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।